अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बुल्स एंड बेयर्स। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसी। डेटेड 24 जनवरी थर्सडे आफ्टरनून, इट मींस मार्केट का फोर्थ डे ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट ट्रेंड आज ओपनिंग से काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाते हुए नजर आया। कल के मिनी बजट के बाद मार्केट के सेंटीमेंट मजीद पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ नजर आए। इंट्राडे हाई बना और इन्वेस्टर्स ने काफी एक्साइटमेंट के साथ इसको ओपन जब मार्केट हुई तो उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आई और इन्वेस्टर्स काफी जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए और फाइनली मार्केट की जो ओपनिंग है वो काफी हद तक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आई। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आए। इंट्राडे हाई बना विच इज 40,609 पॉइंट्स, यानी वेल अबव 40,500 के साइकोलॉजिकल बैरियर से। इट मींस के मार्केट के सेंटीमेंट दोबारा पॉजिटिव टेरिटरी में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट का क्लोजर पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। आज का क्लोजर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। इट मींस के 231 पॉइंट्स के गेंस देखे गए हैं, यानी 40,289 पॉइंट्स में मार्केट का क्लोजर हुआ है। 40,000 का लेवल आज कंसोलिडेट हुआ है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ हेल्दी साइन और कल मार्केट का लास्ट डे है। देखते हैं कि कल की जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो कितने हद तक जो है वो प्रिवेल होते हुए नजर आते हैं और इस वीक के अंदर कितनी ज्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई देती है। इन तमाम चीजों पे डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में आज गेस्ट मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं और तमाम जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और खासकर जो मिनी बजट का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है मोहसिन एरी साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट है, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। मार्केट की परफॉर्मेंस आज काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है, फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है, क्या कहेंगे? इट्स अ हेल्दी साइन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि मिनी बजट के अंदर अगर हमारे लिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट अच्छे इंसेंटिव दिए जाते हैं तो मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही देखी जाएगी। कुछ सेक्टर वाइज वैल्यू ऑलरेडी बिल्ट अप हो चुकी थी। अगेन एक्सपेक्टेशन यही थी कि इंडस्ट्री के लिए भी काफी हद तक पॉजिटिव चीजें आगे नजर आएंगी, तो उसके बेसिस के ऊपर रैली बिल्टअप हुई है। प्राइसेस आर अट्रैक्टिव, तो उम्मीद है कि ये रैली कंटिन्यू होगी। अच्छा, ये जो मिनी बजट आया है इसे बोला गया काफी रिफॉर्म किए गए हैं इसके अंदर, क्या कहेंगे आप, कितना ज्यादा इम्पैक्ट इसका आया है और सेक्टर वाइज कितनी ज्यादा लीनियंसी दी गई है? देखिए, कुछ क्लैरिटी सामने आई है कि हम एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोकल इंडस्ट्रीज ग्रूम करें, हम इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं ताकि डॉलर बेस्ड डिपेंडेंसी भी कम रहे और डेफिनेटली लोकल टर्नओवर बेस्ड वॉल्यूम बेस्ड इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके कि गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन की जाए। ये क्लियर सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑटो सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि 1300 सीसी तक की गाड़ियों के अंदर नॉन फाइलर को परचेज करना काफी मोटिवेट किया गया है। तो उसका मेन रीजन ये है कि आप एक तरफ इम्पोर्टेड गाड़ियों को डिस्करेज कर रहे हैं, उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी आई है कि आप पैसे कैसे भेजेंगे, वहां पे इश्यूज हैं, आप इम्पोर्ट की भी गाड़ियों के अंदर बहुत ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स, हम ये भी जानते हैं कि 4 नए मैन्युफैक्चरर्स मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून, तो उनको इनकरेजमेंट की जरूरत थी। सेल्स बढ़ेंगी, ऑटोमोबाइल पूरी इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और वहां पे रिवॉल्व की जाएंगी। प्रोमिसरी नोट के थ्रू जो इनकरेजमेंट की गई है, टेक्सटाइल सेक्टर को भी बेनिफिट होगा इससे कि आपके कैश फ्लोज नहीं रुकेंगे, आपको डिपेंडेंसी नहीं लेनी, रिफंड करना है आपने, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप प्रोमिसरी नोट के थ्रू बैंक से इनकैश करा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी साइन है कि आपको कैश फ्लो की रिडंडेंसी बार बार आपको रुक रुक के एफबीआर के पास जाना है, फिर क्लेम करने हैं, फिर आपके रिजर्व, फिर आप बैंक गवर्नमेंट से डिपेंडेंसी वहां पर भी आया है। विथहोल्डिंग टैक्स के अंदर अलाउ कर दिया गया है कि आप मंथली बेसिस पर फाइलिंग के बजाय आप बाय एनुअली फाइलिंग कर सकते हैं, इससे एडवांटेज बहुत होता है बिकॉज आपका कैश फ्लो जो है वो रोलिंग होता है, पेएबल तो है। अगेन वो टैक्स फाइलर के लिए ज्यादा जो है वो पॉजिटिव है, नॉन टैक्स फाइलर को तो देना ही पड़ेगा ना? वो तो बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ज्यादा एडवांटेज इसलिए कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर देखें तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, उसके बेसिस के ऊपर आपका कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। आप अगर एक क्वार्टर का रिटर्न वहां पे सबमिट करने को डेफर करते हैं तो आपका कैश फ्लो इतना ज्यादा होगा कि आप ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेंट्री के अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस पैसे को, ये भी काफी एडवांटेज साइन है। अच्छा, इसके साथ साथ एडवांस टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, कितना पॉजिटिव आप देख रहे हैं मार्केट के लिए होगा? क्योंकि आज की मार्केट में जब ये स्टार्ट हुई मार्केट के इनिशियल आवर्स में हमने देखा कि मार्केट की ओपनिंग 500 पॉइंट्स प्लस के साथ हुई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन तो आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम्स के अंदर, इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, रीजन बीइंग के एडवांस टैक्स का लगना कॉस्ट बढ़ा देता है। इतनी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी ओवर द पास 1.5 ईयर रही है कि इन्वेस्टर्स काफी डिस्करेजमेंट फील कर रहे थे कि अगर हम ट्रांजेक्शन भी करें इतनी टैक्स हमारे ऊपर लेवी की जाती है, हमारे लिए प्रॉफिट करने की गुंजाइश नहीं रही बिकॉज मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी कम हो गई थी, मार्केट में वॉल्यूम्स काफी श्रिंक डाउन हो गए थे, सेक्टर वाइज कुछ क्लियरिटी ना होने की बेसिस के ऊपर अनसर्टेन रही थी, डिक्लाइन काफी रहा है, तो
तो इन्वेस्टर्स भी इंकरेजमेंट फील करेंगे कि भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी कम होती है. ऑटोमेटिकली जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती है तो उसके बेसिस के ऊपर, अच्छा ब्रोकर्स के ऊपर एक्चुअली तो ये टैक्स है, जो टैक्स एडवांस टैक्स के फॉर्म में ब्रोकर्स इसको दे रहे होते हैं, तो ब्रोकर्स किसी न किसी फॉर्म में जब एडवांटेजेस फील करते हैं इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में, तो अपने इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलते हैं, वॉल्यूम्स भी ज्यादा आएंगे उन पे आपका नजर आएगा. अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में काफी बातें की जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर आप समझते हैं कुछ इतना ज्यादा उसके ऊपर वर्कआउट नहीं हुआ है? कैपिटल गेन टैक्स के बारे में एक तो ये न्यूज क्लियर थी और सजेशन भी दिया गया था कि आप किसी न किसी फॉर्म में प्रॉपर्टी के साथ उसको अलाइन करें. दोनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं इन्वेस्टर्स को, प्रॉपर्टी की अलाइनमेंट करें आप इक्विटीज के साथ, इक्विटीज ऑलरेडी इतना टैक्स बर्डन है तो सेम अलाइनमेंट हो जाए. हाँ, रेट वाइज उसमें नहीं हुआ, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट जरूर मान लिया गया है, वो 3 साल तक का लॉस कैरी ओवर करना अलाउ कर दिया गया है. तो जो इतनी लॉसेज रहे हैं उसके अंदर ये एडवांटेज बहरहाल लोगों को है कि हमारे इतने लॉस है, अगर हमने कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसके अंदर ह्यूज लॉस है, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी और आइटम के अंदर स्विच ओवर करते हैं, तो वो जो लॉस है आई कैन कैरी ओवर टू नेक्स्ट 2 to 3 years. बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जो ये फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया गया है उसके बारे में? बैंकिंग सेक्टर देखें, एक तो इकोनॉमी के अंदर फंक्शन होना, ओवरऑल इकोनॉमी टर्नओवर बढ़ना, ट्रांजेक्शंस बढ़ना, इसका ऑटोमेटिकली बैंक को एडवांटेज होता है. ट्रांजेक्शन वाइज इनको एडवांटेजेस होते हैं. इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बैंक्स की प्रॉफिट भी स्लो डाउन हो जाते हैं. हालांकि हम देख रहे हैं कि स्प्रेड काफी बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुका है, इवन देन बैंक्स की परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं आ पा रही, तो ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड भी उसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है. एक एस्पेक्ट और भी है जो आगे फाइलर को एक तरीके से एडवांटेज दिया गया कि आप कैश विड्रॉल के ऊपर फाइलर को रिलैक्स कर दिया गया है कि अब वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दे रहे होंगे. अगेन एक तरीके से इनकरेज किया गया कि आप लोग फाइलर बने, आप लोगों को और एडवांटेजेस मिलते रहेंगे. तो बहरहाल गवर्नमेंट पॉलिसी फाइलर को फैसिलिटेट करना, लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना, ये काफी एडवांटेजेस है. अब आप जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स देख रहे हैं जो श्रिंक होते जा रहे थे, आप समझते हैं कि अब वो वापस कम बैक करेंगे? उम्मीद यही की जा रही है कि वॉल्यूम्स के अंदर काफी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा इंशाल्लाह. सेक्टर वाइज भी काफी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे. आप सुपर टैक्स की बेसिस के ऊपर भी हमें यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मैं कोट करना चाहूंगा कि सुपर टैक्स का रिड्यूस होना भी ये इम्प्रूव करेगा. कॉर्पोरेट रिजल्ट आने वाले हैं 31 दिसंबर के और आगे 30 जून भी बहुत क्लोजली आगे है, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बेसिस के ऊपर भी यील्ड इंप्रूव होगी क्योंकि टैक्सेशन आपका रेट कम हो जाएगा. अच्छा, अनाउंसमेंट सीजन चल रहा है, काफी रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ सेक्टर वाइज, क्या समझते हैं कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी क्वार्टरली? रिजल्ट्स देखिए, अब ये तो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है, अब ये रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद इसकी इनकॉर्पोरेट होने के बाद सारी चीजें अभी इसके इम्पैक्ट आएंगे, उसमें टाइम लगेगा. अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो अभी तो स्टार्ट इनिशियल स्टेज है. चाहे वो बैंकिंग सेक्टर लीड करे, चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर लीड करे, तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर लीड करना दैट मीन्स कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन शायद इस क्वार्टर के अंदर अभी हम उसका इम्पैक्ट ना दे सके, लेकिन आगे तो हमें डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नजर. अगर इसके साथ साथ ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, तो कल भी मार्केट का क्लोजर होगा, इस हफ्ते अगर पूरे मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाती है तो नेक्स्ट वीक हम समझते हैं कि हम आगे कोई रेजिस्टेंस लेवल 41,000 तक देखेंगे? 41,000 तक का रेजिस्टेंस किया जा सकता है, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज एक अच्छी रैली गवर्नमेंट इसमें दे चुकी है, आपको सपोर्ट भी कर चुकी है, और अच्छी रैली पाकिस्तान स्टॉक्सन दे चुकी है इंडेक्स वाइज, तो यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं. सर्टेनिटी कुछ न कुछ इस इम्पैक्ट में की जा सकती है. कुछ ऐसे टैक्सेस हैं भी जो इम्पोज किए गए हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल्स, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे लोकल्स हो, उनकी ब्रोकरेज के ऊपर कमीशन इम्पोज किया गया है. तो कुछ चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जब इतनी रिलैक्सेशन दी है तो उसको कम्पनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कम्पनसेट करना था. तो मुख्तलिफ जैसे लग्जरियस आइटम के अंदर कहीं भी हम देखें, जो भी लग्जरियस लेवल के ऊपर जो बड़े स्टॉक्स के अंदर बड़े हम ये कह सकते हैं जो क्लाइंट को टारगेट करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों की फॉर्म में हो, चाहे वो मोबाइल कंपनीज की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारी इक्विटीज के हम देख लेंगे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, उन सब जगह कहीं ना कहीं वहां पर रेट्स बढ़ाए गए हैं. और मैं मजीद बात करना चाहूंगी टैक्सेस के हवाले से. अभी हम देखते चलते हैं डेली परफॉर्मेंस, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही. ओपन हुई मार्केट 40,057.85 के लेवल पर, हाईएस्ट टच मार्केट गई 40,609.03, लोअर वॉज 40,057.85 एंड फाइनली क्लोजर रहा 40,289.16 का, यानी 231 पॉइंट के गेन देखे गए. इंडेक्स वॉल्यूम में करंटली मार्केट ने 245.86 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में अच्छा इजाफा नजर आ रहा है 66.93 मिलियन शेयर का, वैल्यू रही 9.85 बिलियन रुपीज.
और टॉप सिंबल्स में PIBGL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.81 के इजाफे के साथ, 12.01 पे क्लोजर, 32.69 मिनट से स्टेट किए गए। सेकंड स्कोर पे बैंक ऑफ पंजाब 13.18 पे क्लोजर रहा, 24.60 मिनट से स्टेट, एंड लास्टली पाक इलेक्ट्रॉन 0.60 का डिक्लाइन, 27.01 पे क्लोजर, 18 मिनट से स्टेट किए गए। एंड सेक्टर वाइज समरी में ट्रांसपोर्ट इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 48.40 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम के साथ, कमर्शियल बैंक दूसरे स्कोर पे 40.88, थर्डली केमिकल्स 23.99, चौथे स्कोर पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 20.11, एंड लास्टली इलेक्ट्रिकल गुड्स 20.06 का कारोबार रहा। ये टॉप सेक्टर्स और मार्केट करंट परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं और हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी काफी हद तक इंक्रीज होते जा रहे हैं। मौसम साहब, हमें देखा कि आज ट्रांसपोर्ट लीड करता हुआ नजर आया, वॉल्यूम लीडर में नजर आया, उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना ज्यादा गेन जो है वो एक्सपेक्ट थे और हुए हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर डेफिनेटली इनकरेजमेंट मिली है और उसके बेसिस पर हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर लीड होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइसेस एक हद तक काफी ज्यादा थी, मल्टीपल्स काफी हाई रेट पे ट्रेड हो रहे थे, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर स्पेशली हम देखते हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर पी मल्टीपल्स काफी हाई रेट के ऊपर ट्रेड हो रहे थे। मतलब हम इजीली 20 के अराउंड ट्रेड होता हुआ भी देखा है, हमने विटनेस किए हैं जब हाई रेट थे इंडेक्स के अंदर। उसमें अब उतना डिक्लाइन हो चुके हैं, थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन तो बनती है कि इतनी अगर हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन दी जाती है, सेल्स बढ़ने के चांसेस हैं काफी हद तक। इवन दो के जब दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी मार्केट में एंटर होंगे, गाड़ियों की मार्केट में जब एंटर होंगे तो कंपटीशन जरूर होगा, प्राइस वाइज कंपटीशन जरूर होगा, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो हमारी डिमांड थी, जो इम्पोर्टेड गाड़ियों की सप्लाई के थ्रू फुलफिल की जा रही थी, उनको इम्पोर्टेड गाड़ियों को आप अगर डिस्करेज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए प्लेइंग फील्ड काफी इम्प्रूव हो जाती है। इट मीन्स के लोकल जो असेंबलर्स हैं उनके लिए काफी हद तक जो है वो पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई आगे हम देख सकते हैं कि नजर आएगी। उसके साथ साथ हमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारे केस में देखते हैं, जैसे टायर इंडस्ट्री है, बियरिंग है, बहुत सारे तरह के जो अभी रिजल्ट आए हैं जो हम नेक्स्ट क्वार्टर में जो विटनेस करेंगे तो वो ज्यादा हद तक पॉजिटिव होंगे। जी, अभी तो रिजल्ट आए वो पुरानी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंसी थी और उसके बेसिस के ऊपर आए हैं। जैसे टैक्सेस हैं जिनको जो लिफ्ट किया गया है तो वो सबके लिए जब स्टार्ट होगा, जब अप्लाई होंगे फिजिकल ईयर स्टार्ट के बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसको स्टार्ट होने के बेसिस ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक्सपेंसिव मोबाइल हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट टैक्स लगाए गए हैं और जो छोटे मोबाइल हैं यानी जो काफी हद तक चीप हैं उनके ऊपर काफी कम टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए, तो इट्स अ गुड साइन। अगेन वही बात है कि जो भी लग्जरियस गुड की तरफ जा रहे हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, अगर वो लग्जरीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उनसे चाह रही है कि वो लग्जरीज के साथ साथ गवर्नमेंट के टैक्सेस के अंदर भी कंट्रीब्यूट करें। जहां पे छोटे लोग कंज्यूम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट छोटे लेवल की कर रहे हैं वहां पे उनको फैसिलिटेशन की जा रही है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी हद तक जो है उसमें कमी आती हुई नजर आ रही है, उसका लोकल मार्केट पे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है हमारी वो रूपी डॉलर पैरिटी एक तरफ हमें हिट कर रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें इन्फ्लेशन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की बेसिस ऊपर हिट करने, तो अल्लाह ने एक तरफ से हमें एक सपोर्ट किया हुआ है कि रेट डिक्लाइन होना डेफिनेटली हमारे लिए वो इम्पैक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, किसी न किसी फॉर्म में गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन का रोल भी प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि 100 डॉलर तक ही अगर रहता है, 60-70 तक भी रहता उस फॉर्म में और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती तो हमें तो ऑटोमेटिकली महंगा ही पड़ता ऑयल का इम्पोर्ट करना, लेकिन उसका डिक्लाइन होना इटसेल्फ इवन दो के ट्रेड ऑफ हो रहा है रुपी डॉलर पैरिटी की बेसिस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में हैं। अच्छा, उसके साथ साथ GIDC के हवाले से बात करना चाहूंगी, वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर पर उसका क्या इम्पैक्ट आया? फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर उसकी पॉजिटिव हम रैली देख भी चुके हैं, लोगों ने विटनेस भी किया होगा कि ये एक मैटर काफी अर्से से पेंडिंग था, क्या होना है, गैस की प्राइसेस क्या आएंगे, किस बेसिस के ऊपर GIDC के बेसिस के ऊपर कितनी हम पे इम्प्लीमेंटेशन होगी टैक्सी बेसिस के ऊपर और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बेस का क्या इफेक्ट आएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर ये कंसर्न्स काफी हद तक रहे हैं, उसकी क्लैरिटी आना मार्केट के लिए एक ट्रिगर इस वीक के स्टार्ट से ही हमें नजर आया था। फर्टिलाइजर सेक्टर के नंबर्स आप देखें तो काफी इम्प्रूव हुए हैं वॉल्यूम्स के बेसिस के ऊपर भी और प्राइस के एप्रिसिएशन भी आप देखें तो मेजर जो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर रैली बिल्डअप हुई है इस वीक के अंदर, ये पर बैग 200 रुपीज जो है वो कम किए जाएंगे, पर बैग 200 रुपीज कम किए जाएंगे टैक्स की मत के बेसिस। अब कितनी प्राइस हो जाएगी इसके? 1500 रुपीज? जी, 1700 के आसपास। ठीक है, तो ये तो फिर इट्स अ गुड साइन के आगे आने वाले दिनों में शेयर प्राइस पे कुछ पॉजिटिविटी देखेंगे, शेयर प्राइस पे प्रॉफिट भी देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखें तो फार्मर्स के बेसिस के ऊपर आएगा, इन्फ्लेशन में उसका इम्पैक्ट ट्रांजेक्शन के फॉर्म में आएगा डेफिनेटली, हमारे पास फूड कमोडिटीज जो है वो होगा और एक्सपोर्ट बेस भी आप देखें तो हमारी बहुत सी फूड कमोडिटीज एक्सपोर्ट होती हैं
वो भी और कम्पिटेटिव प्राइसेस में आगे एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब मार्केट के नंबर्स हम कहाँ विटनेस करने जा रहे हैं? मार्केट पहले स्टार्टिंग फेज के अंदर यही इसी की बात हो रही थी कि 40,000 का लेवल सस्टेन होना चाहिए। 40,000 का लेवल हम आज भी देख रहे हैं, इवन दो आगे रेजिस्टेंस लेवल क्या देख रहे हैं? 1-2,000 पॉइंट और फर्दर विटनेस की जा सकती है। अभी आगे नेक्स्ट वीक में हम क्या कुछ वॉलेटिलिटी देखेंगे? वॉलेटिलिटी आज भी देखी गई है मार्केट के अंदर। स्टार्ट बहुत अच्छा था, इसके बाद कुछ डिक्लाइन हो गया है, तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी। सर, प्रॉफिट टेकिंग को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने लॉसेस बुक किए इन्वेस्टर्स ने, तो अब तो वो प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है। प्रॉफिट टेकिंग बनती है, डेफिनेटली बनती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनी बजट का 1-2 दिन तक उसका ट्रांजेक्शन रहेगा, बट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के अंदर हम प्रॉफिट टेकिंग जरूर विटनेस कर रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो उसमें काफी सेलिंग नजर आ रही थी लास्ट वीक हमने देखा, अब कुछ बाइंग नजर आ रही है, आगे कहाँ देख रहे हैं उसका फ्यूचर? सीमेंट सेक्टर के अंदर एक मार्केट में इन्क्वायरी कर रही थी कि टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक्साइज ड्यूटी इसमें बढ़ा दी जाएगी, और जब वो नहीं हुआ डेफिनेटली सीमेंट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन रहा है सीमेंट सेक्टर के अंदर। कुछ हद तक कोल प्राइस भी वोलेटाइल थे, मिनी बजट के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात करें तो टैक्स की वजह से लोग काफी परेशान थे कि सीमेंट के ऊपर अगर कोई लेवल, लेकिन ये तो एक रिफॉर्म पैकेज था, ये तो बहुत फाइनेंशियल पैकेज था, बहुत ही ज्यादा ईज आउट किया है। जी, वो ईज आउट करना डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट में इसके उन्होंने काफी हद तक आसान घरों की स्कीम का भी अनाउंस किया हुआ है, वहां पर भी आपके पास आएगा। इसी तरीके से डैम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो सीमेंट की कंजम्पशन तो बढ़नी है। सीमेंट के ऊपर अगर उसको कॉस्ट बर्डन ना किया जाए तो ज्यादा गवर्नमेंट के लिए भी फिजिबल रहेगा, कॉस्टिंग कम होगी, इस तरीके से सीमेंट के सेल्स के नंबर भी काफी अच्छे आएंगे, तो पॉजिटिव ही मार्केट में से नजर आते हैं। इकोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करें तो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं अब आप इकोनॉमी, किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है? एक हद तक बायलेटरल रिलेशन काफी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंडली कंट्रीज से काफी हद तक जो हमारे रिलेशन है स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे अब आगे आने वाले दिनों में कितने पॉजिटिव है? देखिए, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन तो ये नजर आता है कि आईएमएफ को डेफर करने का रीजन और रिजल्ट यही नजर आता है कि ये मिनी बजट की फॉर्म में, या इसको हम कहें कि एक रिलैक्सेशन इंडस्ट्रीज को दी गई है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दी गई है। अगर आप इस वक्त आईएमएफ के साथ खड़े होते तो ये रिलैक्सेशन आप नहीं दे सकते थे, उसमें काफी हद तक आपको इम्पोज किया जाता है कि आप इतनी टैक्स रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, आपको इम्पोज किया जाना था वहां पे, तो ये एक एडवांटेज डेफर करने का हमें नजर आता है। तो काफी अर्से से हम यही सुनते आ रहे थे कि हमें आईएमएफ की तरफ अगर जाना है तो फॉरेन क्यों नहीं चले आते, फ्रेंडली कंट्रीज के पास क्यों जाया जा रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। तो एक स्टैंड गवर्नमेंट का हमें यहाँ पे नजर आया है कि हम फैसिलिटेट करना चाह रहे थे, हम ये डिसीजन एग्रेसिवली नहीं ले पा रहे थे, उसका रिजल्ट यही था कि हम एक्सपोर्ट्स को अपनी पॉलिसी को स्ट्रेंथन करें। कोई भी आगे आप इनिशिएटिव लेते हैं तो 5-6 महीने तक आप अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में। सर, अब कब जाएंगे, अब आईएमएफ के पास कब जाना है? देखिए, अभी तक क्लैरिटी तो नहीं आई है ना, क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है, आई एम विथ यू कि क्लैरिटी अभी नहीं आई है, लेकिन आपके पास अब काफी जगहों से पैसे आए हैं, आपके पास कुछ ब्रीदर आया है, आपने एक ऐसा इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है कि अब आप आईएमएफ से बात करोगे तो अब आपको इस पर इम्पोज नहीं करेगा कि आप ये रेट करें, ये इंटरेस्ट रेट करें, ये रुपी डॉलर पे नेगोशिएट कर सकते हैं, आपके पास नेगोशिएशन की प्लेइंग फील्ड डिफरेंट है। और अगर आपकी 5-6 महीने जो नेक्स्ट मेन बजट अनाउंस होने वाला है, उस 5-6 महीने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ और इंशाल्लाह पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एक्सपोर्ट में, आपके फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस के ऊपर अगर कवरेज आती है तो वो भी आपको पॉजिटिव साइन दे रही होगी। क्या मजीद हम अब डिवैल्यूएशन एक्सपेक्ट तो नहीं करें तो रुपी के हवाले से, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट करता हुआ नजर आ रहा था, आपको सस्टेन नजर आ रहा है 138-139 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसेंटली फिच की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने ये कहा था कि अब मजीद जो है कुछ डिवैल्यूएशन देखेंगे हम रुपी के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताएं? ये अनसर्टिनिटी अभी भी है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होगा, जो मेजर परसेंटेज था वो तो विटनेस कर चुकी है इकॉनॉमी, वो अनसर्टेन एनवायरमेंट पाकिस्तान में हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। ऑलमोस्ट 1215 रुपए तक का जो ये पूरा साइकिल रहा है, 125 देन 27 28 से फिर आगे बियॉन्ड रहा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज्यादा रहेगा, थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन विटनेस की जा सकती है, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है उसके अंदर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप कुछ पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे या फिर अनचेंज रखा जाएगा या 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अनचेंज रखा जाएगा।
अनचेंज ही रखा जाना चाहिए जो फंडामेंटल। जितने एनालिस्ट से मैं बातचीत कर रही हूँ, कुछ मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि 100 पॉइंट का इजाफा किया जाएगा और कुछ एनालिस्ट का यही कहना है कि अनचेंज रखा जाएगा। लेट्स सी अब क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच मोहसिन अदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस हुआ था मार्केट के ऊपर, खासकर इकोनॉमी के ऊपर, और कल जो फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया गया है उसके ऊपर काफी हमने डिटेल डिस्कशन की। कमोडिटीज देखते चलते हैं, कमोडिटीज और फॉरेक्स क्या लेटेस्ट अपडेट है। गोल्ड की पर तोला प्राइस 67,027 रुपीज, गोल्ड पर चंगा 57,526 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट तोला 1,279.51 डॉलर, ऑयल डब्ल्यूटीआई पर बैरल 52.62 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 61.14 डॉलर। करेंसी में सबसे पहले यूएस डॉलर बाइंग रही 139.30, सेलिंग वॉज 139.60, यूके पाउंड बाइंग रही 181 रुपीज, सेलिंग वॉज 183, यूरो बाइंग एट 158 रुपीज, सेलिंग वॉज 159.25, सऊदी रियाल बाइंग एट 37 रुपीज, सेलिंग वॉज 37.50, ग्रेट दिरहम बाइंग एट 37.90, सेलिंग वॉज 38.25, जापानी येन बाइंग एट 1.27, सेलिंग वॉज 1.30, चाइनीज येन बाइंग एट 20.50, सेलिंग वॉज 20.65, एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 459 रुपीज, सेलिंग वॉज 461.50 रुपीज। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है और कल क्लोजर है और इस हफ्ते का लास्ट डे है, कह सकते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक है, ऑन डायरेक्शन है। और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट वीक 41,000 के लेवल को हम टच करने जा रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ गुड साइन कि मार्केट में कुछ हेल्दी डायरेक्शन नजर आ रही है। That's all so much. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, जिसके जरिए यू कैन गिव अस फीडबैक विद गोल्स@btv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार है। जहां प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।